अमृतकाल की आड़ में फ्रॉड काल जारी। 7 साल से ऐसा नाटक देश भर में चालू है जिससे पूरी देश की जनता को मूर्ख बनाने का काम तसल्ली से जारी है। भाजपा सरकार की सभी नीतियां बुरी तरह से विफल हुई हैं और इसका खामियाजा आम जनता को उठाना पड़ा है। भाजपा सरकार का कहना है कि देश में अमृतकाल चल रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि यह अमृतकाल नहीं बल्कि फ्रॉड काल जारी है। साहब के राज में देश में लगातार घोटाले हुए, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार की घोटालों पर लगातार चुप्पी रही। फ्रॉड करने वाले देश का पैसा लगातार देश की जनता से ठककर देश से बाहर ले जाते रहे, लेकिन इतना सब कुछ होने पर भी सरकार खामोश है। अब एक नया घोटाला सामने आया है जिसमें देश के बैंकों का हजारों करोड़ रुपया एबीजे ग्रुप और ऋषि अग्रवाल लेकर फरार है और इसकी FIR 5 साल बाद रजिस्टर की गई है। ऋषि अग्रवाल का भी साहब और वाइब्रेंट गुजरात के तमाशे से पुराना नाता है। अब आप इसी से समझ सकते हैं कि देश की सरकार इन घोटालों के प्रति कितना सजग है और कितना गंभीर है इसे रोकने के प्रति। क्या अब भी भाजपा सरकार इस मुद्दे पर खामोश रहेगी, जैसा कि उसकी क्रोनोलॉजी हमेशा से घोटालों को छुपाने की रही है।